अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम और मेरा नाम समन मलिक। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। कराची का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रा अनवार तो अभी तक कानून के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर क्विंटल पोन ने दुबई में धर लिया। मुलजिम को जल्दी पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। साबिक पुलिस अफसर के खिलाफ कत्ल और इकदामे कत्ल के मुकदमात। कराची में कत्ल होने वाले इंतजार कत्ल केस की गुत्थी, पुलिस तहाल सुलझाने में नाकाम। उधर मुकदमे में एक के बाद एक लड़की की एंट्री भी होती जा रही है। पहले मदीहा, फिर लैला और अब मारुख। इंतजार कत्ल केस में फिर नया रुख। बेटे को मारुख की वजह से कत्ल किया गया। इश्तियाक अहमद का दावा, बेटे के कत्ल के कई शवाहिद मिटा देने का इल्जाम भी आयद किया। फैसलाबाद में मशहूर ब्रांड गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आए, शहरियों की इज्जतें गैर महफूज होकर रह गई। मशहूर शॉपिंग मॉल में वाकई एक मशहूर ब्रांड की दुकान में खवातीन के लिए बने ट्रायल रूम में खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ। इत्तला मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज, दुकानदार मामला दबाने में मसरूफ। टंडो यार वाला में अदालती हुक्म पर पुलिस का बास और जमींदार की निजी जेल पर छापा, 20 अपराध बाजियाब करवा लिए गए। बाजियाब होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हारियों को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। कामोकी में निजी स्कूल की टीचर ने दूसरी जमात की तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, जमीन पर पटक कर शदीद जख्मी कर दिया। 8 साला सायरा बताए बगैर क्लास से बाहर गई, जिस पर टीचर तैश में आ गई। जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करके मेडिकल लीगल हासिल कर लिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की है, पाकिस्तान का फर्स्ट क्राइम टाइम बुलेटिन और मेरा नाम समन मलिक। आज भी हम बेनकाब करेंगे जुर्म की हर दास्तान को। जुर्म की दुनिया के हर राज का पर्दा उठेगा, इंसाफ के ऐवानों तक पहुंचेगी हर मजलूम की आवाज। काला धंधा हो या अंधा कत्ल, मुजरिम अब 7 न्यूज की आंख से बच नहीं पाएगा। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की। लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इंटरपोल ने धर लिया है। आबिद बॉक्सर दुबई से गिरफ्तार हो गए। राव अनवार तो नहीं पकड़े गए, लेकिन आबिद बॉक्सर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को जल्द ही पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। साबिक पुलिस अफसर के खिलाफ कत्ल और इकदामे कत्ल के मुकदमात हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इनकाउंटलिस्ट को इंटरपोल ने धर लिया है। आबिद बॉक्सर दुबई से गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम को जल्द ही पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इस पर रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को दुबई से हिरासत में लिया गया। आबिद बॉक्सर के खिलाफ लाहौर के किला गुजर सिंह समनाबाद समेत मुतद्दद थानों में कत्ल इकदामे कत्ल के मुतद्दद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम 2007 में पाकिस्तान से फरार हुआ था, जिसके बाद उसके सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी गई थी। आबिद बॉक्सर के खिलाफ हसास इदारे के अफसर के बेटों के कत्ल और जायदाद तनाजा का मुकदमा भी काफी मशहूर रहा। मुलजिम ने मशहूर अदाकारा नरगिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद अदाकारा मुल्क छोड़कर चली गई थी। जराए के मुताबिक मुलजिम ने मुतद्दद जाली मुकाबलों में कई अफराद को मावराए कानून भी कत्ल किया। आबिद बॉक्सर को चंद रोज में लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी शाहजेब की। आबिद बॉक्सर गिरफ्तार तो अब हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी वो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से कई इंकशाफात कर चुके हैं। 2014 की अगर बात की जाए तो ARY न्यूज के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू के दौरान आबिद बॉक्सर का क्या कहना था, आइए देखते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को मारने का मुकम्मल मंसूबा एक हफ्ता पहले बना दिया गया।
जिसके अहम रुकन थे मारने वालों में उमर विर्क, शफीक गुजर जो SSP लाहौर रहा, फिर DIG लाहौर इन्वेस्टिगेशन रहा, फिर CCPO लाहौर रहा, और उसके बाद उसका सगा भाई MPA नू लीग का। देखिए ईमानदारी और मेहनत का सिला तो डिफॉल्ट होने के बाद जन्नत में मिल रहा है, इनको तो इधर ही मिल रहा है। उसके बाद मेड इन चाइना ईमानदार, ये जो ईमानदार मेड इन चाइना ईमानदारों की लड़ी है, इसमें एक सीनियर अफसर फिट नहीं हो रहा था, उसका नाम था आईजी खान बेग। इन्होंने 4 या 5 रोज पहले एक मेड इन चाइना ईमानदार आईजी बलोचिस्तान मुश्ताक सखेरा, जो कि वहां भी आईजी लगा हुआ है, ये नहीं कि वो कोई OSD है, वहां पे आईजी लगा हुआ है और बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपसे भूली हुई नहीं है। सिर्फ आप मुझे ये बता दें कि मुश्ताक सखेरा ने एज ए टारगेट वहां पे क्या कारनामे ऐसे सर अंजाम दिए। मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज, कि आपने शहबाज शरीफ साहब के कहने पे कितने कत्ल किए? मुबशर भाई एक बात आप पूरे वसूख के और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं ये चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकते, नंबर वन। नंबर दो, मैं एक पुलिस मुकाबले का जिक्र आपको करता हूं, मैं SHO सब्जादार था। उस वक्त मुझे एक सीनियर अफसर ने बुलाया और क्लियर ये कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ये 5 बंदे सब्जादार में मरवाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इनकार किया, मेरे इनकार के बाद ये ड्यूटी उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड उमर विर्क की लगाई और वो उमर विर्क ने 5 सब्जादार में बंदे वो कत्ल किए मेरे सामने, मैं उस वक्त वहां पे SHO था। ये मैं पूरे वसूख के साथ कलमा पढ़ के कहता हूं कि वो जाली पुलिस मुकाबला था, वो कत्ल था। आपने भी तो किए कई, अपना बताएं मुझे, आपने नहीं किए कई? और चीफ मिनिस्टर समेत आपने नहीं किया अमित साहब कई कत्ल इस तरह से जाली पुलिस मुकाबलों में? बेशुमार, ये कोई भी पुलिस मुकाबला ऐसा जो जाली होता है ये चीफ मिनिस्टर की इजाजत के। गुफ्तगु आपने मुलाहिजा की, खरा सच में आबिद बॉक्सर का क्या कहना था, उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो जाली पुलिस मुकाबले करवाते रहे और उन्होंने तकरीबन 5 बंदे मरवाए थे। लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इंटरपोल ने धर लिया है, आबिद बॉक्सर दुबई से गिरफ्तार कर लिए गए, मुलजिम को जल्द ही पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। 7 न्यूज के नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मिर्जा रमजान बेग बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। मिर्जा से राब्ता मुनकता हो गया है, दोबारा राब्ता करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इंटरपोल ने धर लिया है। एजाज चौधरी साहब PTI से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इंटरपोल ने धर लिया है, क्या कहेंगे आप? जी मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ कि 90 की दिहाई के अंदर ये एक अफसानवी किरदार बन गया था और ये एक ऐसा इंस्पेक्टर पुलिस भी था जो साथ साथ डॉन भी था, और जिस तरह उसने खुद अपनी जुबान से इस बात का एतराफ किया है कि उसने एक नहीं कई बीसियों लोगों को, गालिबन सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा, और जाहिर है कोई इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर ये काम नहीं कर सकता जब तक उसे हुकूमत की आशीर्वाद हासिल ना। एजाज चौधरी साहब आपकी इसी बात पर, अभी 2014 में खरा सच मुबशर लुकमान साहब के प्रोग्राम में आबिद बॉक्सर साहब को टेलीफोन लाइन पर लिया गया तो उन्होंने कई इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि लाहौर में जो है पंजाब में शहबाज शरीफ के कहने पर जाली पुलिस मुकाबले किए जाते हैं और बंदों को मारा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सब्जाजार में तैनात था और मुझे कहा गया कि 5 बंदों को मारो, मैंने इनकार किया तो वहां पर उमर विर्क साहब को ये ऑर्डर दे दिए गए मियां शहबाज शरीफ की जानिब से कि इन 5 बंदों को जाली पुलिस मुकाबले में मार दो, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पक्की बात है जी, मैं उस वक्त लाहौर का डिप्टी मेयर था जी, ये जब की बात कर रहे हैं, और ये अपना यहाँ पर 5 लोगों को इन्होंने पुलिस वालों ने मारा था, और फिर बाद में जो हुक्मरान होते हैं वो केसेस को हशप कर देते हैं, जिस तरह ये मॉडल टाउन केस को 4 साल से हाल कर रहे हैं ना, इसी तरह शहबाज शरीफ ने उस केस का भी हाल किया था,
और लवाकीन बेचारे भाग गए थे, उनकी माएं बहनें बेटियां पहले चीखों पुकार करती रही थी, फिर उनकी किसी ने सुनी नहीं। ये फैक्ट है कि आबद बागसर जो था ये इनके कहने के ऊपर शहबाज इजाज चौधरी साहब, अभी तो पांच बंदे ऐसे हैं जिनका आबिद बॉक्सर ने जिक्र किया और इंकशाफ किया। अगर लाहौर में ये तमाम जाली पुलिस मुकाबले मियां शहबाज शरीफ की वजह से होते हैं, राव अनवार का केस ले लें कि उसकी पुष्पनाही जरदारी साहब खुद कर रहे हैं, और जितने जाली पुलिस मुकाबले हुए सुनने में ये आ रहा है कि जरदारी साहब जो है वो करवाते रहे, अगर हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे होंगे तो हमारा मुल्क जो है इस वक्त किस तरफ जा रहा है, क्या बनेगा हमारे मुल्क का। और पीटीआई की जानिब से ये बताइएगा, कोई कानूनी कार्रवाई इमरान खान खान साहब की जानिब से की जाएगी इस मामले पर? देखिए, इमरान खान ने तो ऐलान किया है कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर हम अदालत से रजू करेंगे कि ये पिरियाला जो है इसके अंदर मुलव्वस है। और मैं आपको ये अर्ज कर कि ये कोई ढकी छुपी बात पाकिस्तान में नहीं थी। यहाँ पर शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों, जरदारी का तो रिकॉर्ड ये है कि वो जेल में जब था तो जेल में से ही लोगों को यानी कत्ल करवाने की सलाहियत रखता था, उसने ऐसा गैंग डेवलप कर लिया था अपने जेल के कयाम के दौरान कि वहां से वो लोगों को कत्ल करा देते। तो इजाज चौधरी साहब, अगर हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, राव अनवार साहब ने भी 444 जिनकी रिपोर्ट हुई है कि 440 ऐसे बंदे मारे हैं जाली पुलिस मुकाबले में, और अब ये भी इंकशाफ सामने आ गया कि वजीर आला साहब भी खुद लाहौर में जितने भी जाली पुलिस मुकाबले होते हैं उनमें मुलविस है, तो ये फिर क्या बनेगा, किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क अगर हुक्मरान ही ऐसे हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये तो मीडिया की मेहरबानी है कि आप बात कर रही हैं, 50 मीडिया चैनल्स बात कर रहे हैं, वरना यहाँ पर किस गरीब आदमी की, मजलूम की, और जो जितना कानून को तबाह हुक्मरान किसी की सुनी नहीं थी। ये तो जो मीडिया की प्रेजेंस है, ये हमारे जैसे जो आम लोग हैं ना, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनका बयान नहीं छपता। ठीक है, इजाज़ साहब आप हमारे साथ ही रहिए, मजीद भी सवाल मैं आपसे करूंगी। डीआईजी साहब हैदर अशरफ साहब हमारे साथ लाइन पर आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके वक्त का। लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर को दुबई जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे आप? जी, मेरे पास अभी इस बारे में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, हमारे पास इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, जैसे हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम शेयर कर सकते हैं। हैदर अशरफ साहब, चले ये बता दें कि जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनको इंटरपोल ने धरा है, आबिद बॉक्सर दुबई से गिरफ्तार हुए हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इस पर आपका क्या लाहे अमल होगा, आप क्या समझते हैं कि इनकी गिरफ्तारी जो है मददगार साबित हो सकती है? किस चीज के लिए मददगार साबित होगी? ये तो जाली पुलिस मुकाबले किए जाते हैं। डेफिनेटली जो मुलजम है वो मुलजम ही है, उसमें जो केसेस होंगे वो हम ऑब्वियसली उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और फर्दर उनको उस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई यही होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुलजम चालान होता है। ठीक है, ठीक है जी। डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ हमारे साथ हैं क्राइम टाइम में, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे मैं सवाल कर लेती हूँ। इजाज चौधरी साहब, कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी पीटीआई की जानिब से? देखिए, डॉक्टर अशरफ हैदर साहब ने जो आपको जवाब दिया ना, ये इस तरह का डिप्लोमेटिक जवाब में तो कोई चीज है नहीं। ये जो आबिद बॉक्सर है, इसके ऊपर कत्ल के, अगवा के और इस तरह के दीगर हीनियस क्राइम जो है ना, उनके पर्चे दर्ज हैं। उनको कहना ये चाहिए था कि अगर आपकी खबर दुरुस्त है तो जो ही वो पाकिस्तान आएगा। देखे ना, इंटरपोल की बात की जाए, पास्ट की बात की जाए तो उस बारे में तो इनको इन्फॉर्मेशन थी ना इजाज साहब, कत्ल इकदामे कत्ल के मुकदमा थे। गिरफ्तार हुआ है जी जी, मतलूब ना होता तो गिरफ्तार क्यों होता? जी जी जी, ये तो यानी डॉक्टर साहब ने कोई पूरी बात नहीं किया, उन्होंने बस वैसे वक्त पास, उन्होंने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देना शायद मतलब जवाब नहीं दिया मुनासिब नहीं समझा। ये असल में वो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक सी बात करके बात खत्म कर दी, लाइन काट दी है। हम ये है, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है कि हर होने वाले जुल्म के ऊपर बात करें, जुर्म के ऊपर बात करें, एक तो तहरीक इंसाफ ने आज के बाद ये तय कर लिया है कि शहबाज शरीफ को पहले हम कहते थे कि मॉडल टाउन के कत्लेआम का जिम्मेदार है, अब आबिद बॉक्सर ने जो एतराफ जुर्म किया है तो उसके अंदर भी उसने
बाकायदा वाजे तौर पर जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया मुबशर लुकमान साहब के उसमें उसने बाकायदा एतराफ किया है। बाकायदा तो अभी 5 बंदों का एतराफ किया है, पता नहीं कितने ऐसे कत्ल किए गए हैं जाली पुलिस मुकाबले में। उन्होंने एतराफ किया सिर्फ 5 का नहीं, सिर्फ 5 तो उन्होंने उसके विर्क साहब के जिम्मे लगा दिए ना जो SSP थे, और अपने बारे में कहा कि जितने वाकयात हुए हमने चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक किए और उसके मुताबिक उसके अलावा हम नहीं करते। यानी इसने एक अमूमी प्रैक्टिस जो है उसका भी जिक्र किया कि जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुक्म पे होती है। और यानी अगर आप पाकिस्तान की 1985 से ऑनवर्ड की सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का बड़ा रोल है। बिल्कुल, हुक्मरानों के कहने के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। PTI के इजाज चौधरी साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आपका कहना बजा है कि हुक्मरानों के कहने पर ये तमाम जो है मुकाबले किए जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, मियां शहबाज शरीफ को देख लें। जरदारी साहब का मामला आपके सामने है कि राव अनवार साहब ने जितने जाली पुलिस मुकाबले किए उनके कहने पर किए, और मियां शहबाज शरीफ का भी इंकशाफ 2014 में प्रोग्राम खरा सच में किया था आबिद बॉक्सर साहब ने, जो कि पकड़ लिए गए हैं, अभी गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 5 बंदों का ऑर्डर दिया था मियां शहबाज शरीफ ने, इनको जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। अभी तो पता नहीं कितने शहरी ऐसे होंगे जो कि जाली पुलिस मुकाबले में मरे होंगे, अभी तो 5 का जिक्र किया गया है। लाहौर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इंटरपोल ने धर लिया, आबिद बॉक्सर दुबई से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुलजिम को जल्दी पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। साबिक पुलिस अफसर के खिलाफ आपको बताएं कि कत्ल और इकदामे कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको अब बताएंगे इंतजार कत्ल केस के हवाले से जो एक नया रुख सामने आया है। पहले मदीहा, फिर लैला और अब मारुख सामने आ गई है। कत्ल केस में फिर नया रुख। बेटे को मारुख की वजह से कत्ल किया गया, इश्तियाक अहमद का दावा। बेटे के कत्ल के कई शवाहिद मिटा देने का इल्जाम भी आयद कर दिया गया। इस पर रिपोर्ट देखिए। कराची में कत्ल होने वाले इंतजार के केस की गुत्थी पुलिस ताहाल सुलझाने में नाकाम। उधर मुकदमे में एक के बाद एक लड़की की एंट्री भी होती जा रही है। इंतजार केस में सबसे पहले मंजरे आम पर आई मदीहा कयानी, जो पेशे के लिहाज से एक शेफ है, दूसरी लड़की लैला और अब तीसरी लड़की मारुख का नाम सामने आ गया। इंतजार के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे का मारुख नामी लड़की से मोहब्बत करना जुर्म बना, जिसकी पादाश में उसे कत्ल किया गया। मारुख के वालिद ने बेटे को धमकियां भी दी, इसीलिए उसे मलेशिया भिजवा दिया। मारुख भी मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, चाहती थी, और उसने मुझे खुद कहा है कि मैं इंतजार को किसी कीमत में किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। इंतजार के वालिद ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हकूक की यकीन दहानी के बावजूद नई JIT नहीं बनाई गई, कत्ल के कई शवाहिद भी मिटा दिए गए हैं। आखिरी सूरत में मैं अपने मौजूदा खानदान के साथ प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, अपने बेटे के साथ अल्लाह के पास जाकर फिर मैं अल्लाह से इंसाफ मांगूंगा। इंसाफ से मायूस इंतजार के वालिद ने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो तादमे मर्ग भूख हड़ताल कर दूंगा। रिपोर्ट आपने देखी। रिजवान शाह 7 हमारे साथ उनसे बात करेंगे। रिजवान, एक नया इंकशाफ सामने आया, मारुख नाम की लड़की भी सामने आ गई। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार कत्ल केस में अब जो ताजा तरीन इंकशाफात सामने आए, मकतूल के जो वालिद हैं इश्तियाक अहमद, उनका मुबैना तौर पर ये कहना है कि जो मकतूल है इंतजार अहमद, उसकी मारिया नामी एक तालबा थी, स्कूल के जमाने से उसकी दोस्ती थी और काफी अरसे तक उनका अफेयर चलता रहा, और इस हवाले से उन्होंने मजीद जो इंकशाफ किया है वो अहम तरीन है। उनका ये कहना है कि जो SSP ACLC है मुकद्दस हैदर, मारिया जो लड़की है वो उनकी भतीजी है। इस सिलसिले में मजीद उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मारिया के वालदैन उसको अमेरिका ले गए थे, जबकि उनसे उनके जो धमकी आमेज कॉलों के बाद मैंने अपने बेटे को मलेशिया मुंतकिल कर दिया था। तहम मजीद उनका ये कहना है कि जब मलेशिया में इंतजार अहमद मुकीम था तो उन दिनों भी मारिया का उससे रابطہ रहा था, और इस दौरान भी USA से जो इंतजार के वालिद हैं इश्तियाक अहमद, उनके पास धमकी आमेज
کالیں موصول ہوتی رہی کہ جو ماریا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دیا جائے ورنہ نقصان ہوگا. تاہم اس کے علاوہ جو آپ ہمارے ساتھ رہیے, خرم شیر زمان صاحب ہے پی ٹی آئی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیں گے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. انتظار قتل کیس جو ہے اس کی گتھی جو ہے سلجھ نہیں رہی بلکہ بگڑتی جا رہی ہے. ایک نیا رخ سامنے آ گیا ہے, ایک اور لڑکی معروخ نام کی سامنے آ گئی, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل اپنے پیٹی بھائیوں کو بچا رہے ہیں پولیس والے. جتنا آسان انتظار کا کیس ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک 10 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بھی اس کیس کو سالو کر دے. چیزیں بالکل واضح ہیں, ٹیلی فون کالز اویلیبل ہیں, ریکارڈز موجود ہیں, لڑکی اور لڑکے کا معاملہ ہے. اب ایک اور لڑکی دوسری سامنے آ گئی ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے پولیس اپنے ساتھیوں کو بچا رہی ہے. چیف جسٹس صاحب اگر ذرا سا سیریس ہوں گے اس معاملے کے اوپر نا, تو میں آپ کو بتاؤں 2 دن کے اندر یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہم نے گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کا نوٹس لیں, ان کو بلائیں اپنے پاس, یہ 2 منٹ میں سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہمارے آئی جی صاحب ہیں, وہ اس کو فالو کریں. مطلب ہمارے یہاں ایسی پولیس موجود ہے, وہ تو بڑے بڑے کیسز سالو کر دیتی ہے. انتظار کی کیس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اس بچے کو دن دہاڑے گولیاں ماری ہیں, اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے, دونوں لڑکیاں موجود ہیں, ہر چیز سامنے موجود ہے, ایک تماشا لگایا ہوا ہے شہر کے اندر. میں سمجھ رہا ہوں کہ سندھ حکومت بھی اس کے اندر اپنی تھوڑی سی کچھ دلچسپی دکھائے. مطلب یہ کیس ہے, دوسرا راو انوار بھاگا ہوا ہے, ادھر وہ نظر آ رہا ہے کہ مکمل جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی اس کے والد کو. اور اب جو انتظار کے والد ہیں اشتیاق, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ تھک چکے ہیں, کوئی بھی انصاف نہیں مل رہا ان پولیس والوں سے, جس طرح گولیاں مار کر ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا. اور یہ جو معروخ نام کی لڑکی ہے, یہ کوئی محبت کا سین تھا بیٹے کے ساتھ, تو کوئی اس کے پتہ نہیں چچا ہیں یا تایا ہیں جو کہ پولیس میں ہیں, ان کی جانب سے مروایا گیا. وہ اب کہتے ہیں کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا, تو اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے خیال سے ان کی بھوک ہڑتال میں وہ اکیلے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کراچی کے بہت سارے شہری بیٹھیں گے. یہ میں بات, یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں سندھ حکومت کو کہ انتظار کا والد بھوک ہڑتال میں اکیلا نہیں بیٹھے گا, کراچی کے بہت سارے شہری بیٹھیں گے. کیونکہ جو ظلم کراچی کے شہریوں کے ساتھ پچھلے دنوں ہوا ہے, جو نقیب اللہ مسعود کا کیس ہے, جو انتظار کا کیس ہے, جو مقصود کا کیس ہے, اس کے علاوہ بے شمار ایسے کیسز ہیں. یہ ہم نے مثال بنانی ہے کراچی کے شہریوں کو, کراچی ہائٹس کو کھڑا ہونا پڑے گا انتظار کے والد کے ساتھ, جب جا کے یہ معاملہ حل ہوگا, ورنہ حل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بچانے والے بہت زیادہ ہیں. خرم شیر زبان پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہے, آپ کا بہت شکریہ. رضوان 7 نیوز کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو بتائیں انتظار قتل کا رخ سامنے آیا, پہلے مدیحہ نام کی لڑکی, پھر لیلا, اور اب معروخ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. بیٹے کو معروخ کی وجہ سے قتل کیا گیا, اشتیاق احمد کا یہ دعویٰ ہے. بیٹے کے قتل کے کئی شواہد مٹا دینے کا الزام عائد کر دیا گیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا, اب میں بھوک ہڑتال کروں گا اور مجھے اپنے بیٹے کا انصاف چاہیے. اب آپ کو فیصل آباد سے خبر دیتے ہیں کہ فیصل آباد میں مشہور برانڈ غیر اخلاقی حرکتوں پر اتر آئے ہیں, شہریوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو کر رہ گئی. مشہور میں واقع ایک مشہور برانڈ کی دکان میں خواتین کے لیے بنے ٹرائل روم میں خفیہ کیمرے لگائے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے. یہ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس پر رپورٹ دیکھیے. خبردار, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. دکانوں یا شاپنگ مالز میں کیمرے لگائے تو سیکیورٹی کی غرض سے جاتے ہیں, لیکن فیصل آباد میں مشہور برانڈ کے عملے نے مبینہ طور پر کیمروں کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے. لیڈیز ٹرائل روم میں کیمرے نصب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. دکان میں خفیہ کیمروں کی اطلاع شہریوں کو ہوئی تو متعلقہ برانڈ اور دکان کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے, جبکہ دکان کا عملہ چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہونے کی بجائے معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا رہا. پولیس نے متعلقہ برانڈ کی دکان کے مینیجر سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے, جبکہ ڈپٹی کمشنر سلمان غنی نے شہر بھر کے ٹرائل رومز کی چیکنگ کا حکم دے دیا. خواتین کے ٹرائل روم میں کیمرے کس نے اور کیوں نصب کیے, یہ کہانی پولیس تفتیش کے بعد سامنے آئے گی. البتہ شہری اونچانوں کے بڑے ناموں کی چمک سے ہوشیار رہیں. منور اقبال, 7 نیوز, فیصل آباد. فیصل آباد میں مشہور برانڈ غیر اخلاقی حرکتوں پر اتر آئے ہیں, شہریوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں. مشہور شاپنگ مال میں واقع ایک مشہور برانڈ کی دکان میں خواتین کے لیے بنے ٹرائل روم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ کس طرح خفیہ کیمرے لگائے گئے. شہریوں کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے اس پر نوٹس لیا اور جا کر احتجاج کیا. انکشاف سامنے آیا کہ خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں ٹرائل روم میں. فیصل آباد میں مشہور برانڈ غیر اخلاقی حرکتوں پر اتر آئے ہیں.
आपको बताएं कि शहरियों की इज्जतें गैर महफूज होकर रह गई हैं। मुनव्वर इकबाल ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मुनव्वर बताइएगा कि इन तमाम अमले के, जो मशहूर ब्रांड का तमाम अमला है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, पुलिस की जानब से फौरी तौर पर जैसे ही 7 न्यूज पर खबर चली है तो दो मुल्जमान जो है उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि जिस बंदे की जानब से दरख्वास्त दी गई है, जो इस मुकदमे का मदई बना है, उसकी जानब से जो एक मुल्जम है वो इस मशहूर ब्रांड का मालिक भी उसने रखवाया है। पुलिस का ये कहना है कि उसको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है कि ये इन दोनों मुलाजमीन का इनफरादी मामला है या इसमें मालक और दूसरे जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जबकि पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें ये भी बात सामने आई है, जो मुल्जमान की इब्तदाई बयान है, उनका ये कहना है कि वो एक साल से ये मकरूह धंधा जो है वो कर रहे थे। तहम ये बात अभी सामने नहीं आ सकी कि ये वीडियो बनाकर जो है वो किसी को देते थे या खुद ब्लैकमेल करते थे। आप हमारे साथ रहिए, तर्जुमान फैसलाबाद आमिर वहीद साहब हमारे साथ, उनसे बात कर लेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इस तरह मशहूर ब्रांड्स करेंगे गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आए, इस तरह कैमरे लगाए गए हैं शॉपिंग मॉल्स में, ये बड़ा एक अजीब और गरीब वाकया हुआ है। ये इसका जैसे मुनव्वर ने बताया कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है 154 और इसमें दो मुल्जमान गिरफ्तार हैं। जो ये जो ब्रांड था इसका जो मैनेजर है रिजवान, वो भी पुलिस कस्टडी में है और उसके बाद जो वहां का स्वीपर है फयाज वो भी पुलिस कस्टडी में है। मजीद इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं और जैसे भी आपको जो अपडेट मिलेगी वो हम बताएंगे। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी आमिर साहब? जी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी, उनके खिलाफ 382-509 PPC मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ इंशाल्लाह सख्त। तो आमिर साहब इस तरह तो फैसलाबाद में पता नहीं कितने मशहूर ब्रांड्स ऐसे होंगे जहां पर खुफिया कैमरे लगाए गए हैं, अब मजीद जो है क्या इकदाम किए जाएंगे इस हवाले से? हाँ मैं इस बारे में बताऊँ की देखने वाली बात ये है की ये एक होता है ट्राई रूम, जैसे एक बार एक खबर चली थी एक गुजरावाला का एक वो जो शादी हॉल था वहां पे ट्राई रूम में वो जो हैंगर है या जो इस तरह का कोई वो जो डेकोरेशन में कोई कैमरा लगा हुआ था। अच्छा अब यहाँ पे मामला कुछ और है, यहाँ पे जो ट्राई रूम है, ट्राई रूम के अंदर एक कार्टून पड़ा है जो गत्ते का कार्टून है, दो कार्टून पड़े हैं उसमें सुराख करके उसने, यानी कि साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक आरजी सा काम किया गया, उसमें उसने मोबाइल अपना लगा के ना उसको टेप के साथ पंच किया हुआ है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो कबीर हरकत है, ये मैनेजर है या जो दूसरा उसका साथ जो बंदा होगा, ये इन लोगों की ही हरकत है। अगर कोई हो उसमें कोई मामला कोई बड़ा हो, सीरियस मामला हो, तो वो लाजमी बात है जो जब उसकी डेकोरेशन करते हैं तो उसमें वो खुफिया कैमरा बनाते हैं। ये कोई काम कार्टून है, कार्टून में सुराख करके उसने मोबाइल लगाया हुआ था जैसा कि आपको पिक्चर में नजर दिया। तो आमिर साहब ये मशहूर ब्रांड का नाम क्यों छुपाया जा रहा है, बताया क्यों नहीं जा रहा? देखिए ये इस बारे में ऐसे होता है कि मतलब मैं तो ये समझता हूँ ये सहाफती पॉलिसी ही चलती है कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि मशहूर ट्रांसपोर्ट, मशहूर ब्रांड, मशहूर होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पता तो वैसे तो वो जो FIR है, FIR में नाम भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऐसे बोल देते हैं। मेरा ख्याल है इसमें और तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तर्जुमान पुलिस आमिर वही साहब हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। मुनव्वर इकबाल ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मशहूर ब्रांड गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आए हैं, शहरियों की इज्जतें गैर महफूज होकर रह गई है। ठीक है, खालिदा मंसूर साहिबा है MNA हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिदा साहब आपके वक्त का। मशहूर ब्रांड है गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आए, कैमरे, खुफिया कैमरे लगाए गए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? ट्रायल रूम में ये इंकशाफ सामने आया है। बहुत शुक्रिया 7TV का, उन्होंने एक ऐसा मसले को हाईलाइट किया है जो हम सब खवातीन के लिए बायस शर्म है जी। और ऐसे मॉल जो गैर अखलाकी हरकतें करते हैं, खुफिया कैमरा लगाने का मकसद क्या है? तो वो औरतें वहाँ ट्राई रूम में वहाँ जाती हैं तो उनकी क्या क्या तस्वीरें वो लेते होंगे, अब तो अल्लाह जाने क्या उन्होंने किया। लेकिन मेरी हुकूमत से ये दरखास्त है कि इस तरह के मॉल को बंद करना चाहिए और चलान करना चाहिए, उनको जुर्माना करना चाहिए और ये उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी चेक करना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कैमरे में लिया है और क्या ये ब्लैकमेलिंग में भी आ सकता है। किसी शरीफ खातून को आप ब्लैकमेल भी कर सकते हैं,
तो ये बहुत बिल्कुल अपना साइबर भी महफूज नहीं है जी। लेकिन इस तरह की जो चीजें आपने हाईलाइट की हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी, और सेवन न्यूज का शुक्रिया कि आप औरत की इज्जत को तरजीह देते हैं, और हमें अपने माशरे में ऐसे लोग जो कि इन मॉल्स पे इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनकी दुकानदारी भी बंद होनी चाहिए ताकि उनको पता चले, यानी कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के मॉल्स को बंद करना चाहिए। खालदा मंसूर साहब मैंने हमारे साथ ही आपका बहुत शुक्रिया क्राइम टाइम में वक्त देने के लिए। फैसलाबाद में मशहूर ब्रांड है नाज़रीन गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आए हैं, शहरियों की इज्जत भी महफूज नहीं है, खवातीन जो है वो अब कहीं पर भी महफूज नहीं है। मशहूर शॉपिंग मॉल में वाकई एक मशहूर ब्रांड की बात की जा रही है जिसकी दुकान में खवातीन के लिए बने ट्रायल रूम में खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आमिर वाही साहब का यही कहना है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं डिफेंस की, जहां पर मुबैना डकैती की वारदात के दौरान तीन बच्चों का बाप सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया है। पुलिस 6 घंटे तक मामले को दुबाती रही, लवाहिकीन का बैंक के बाहर शोर शराबा। आपको बताएं कि डिफेंस में मुबैना डकैती हुई बैंक के बाहर और इस वारदात के दौरान तीन बच्चों जो है वो हलाक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड था वो वहां पर, पुलिस 6 घंटे तक मामले को दबाती रही। इस पर रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके डिफेंस के निजी बैंक में वारदात को बहादुर सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान दे का नाकाम बना दिया। डाकू बैंक के दूसरे फ्लोर से दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और हथौड़ों से लाकर तोड़ने लगे कि सिक्योरिटी गार्ड को पता चल गया। उसने मजाहमत की तो मुकाबले में डाकुओं ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। अहले खाना का कहना था कि उन्हें वाकये के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। पुलिस है अंदर, आप अभी अलाउड नहीं है, बैंक बंद है। उससे मैंने कहा मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, एटलीस्ट हमें जाने तो दे अंदर, बताएं तो सही। एसपी कैंट नवीद के मुताबिक एक शख्स बैंक में दाखिल हुआ है और उसने दीवार तोड़ी और लॉकर भी तोड़ता रहा। यहाँ पर हमें ये लगता है कि एक आदमी आया है जिसने यहाँ पर अटेम्प्ट की कोशिश की है कैश ले जाने की। इस पर भी हम मजीद देख रहे हैं कि वह उसमें मजीद हकायक क्या सामने आते हैं। मुतासरीन ने बैंक के बाहर एहतजाज भी किया। कैमरामैन मुशर के साथ मिर्जा रमजान बेग, 7 न्यूज लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी मिर्जा, रिपोर्ट आपने देखी मिर्जा। रमजान बेग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। मिर्जा बताइएगा कि पुलिस की जानिब से इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है? जी बिल्कुल, ये डिफेंस ए का इलाका था जहां पर गुज़श्ता रात जो है बैंक में डकैती हुई और मुज़ाहमत पर जो है सिक्योरिटी गार्ड साजिद उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, और सुबह से लेके 2 बजे तक तकरीबन जो उसके अहले खाना बैंक के बाहर एहतजाज करते रहे कि हमारे जो मकतूल है उसकी जो है डेड बॉडी दी जाए, लेकिन पुलिस उनसे कोई तावन नहीं कर रही थी क्योंकि वो डकैती मुज़ाहमत था। लेकिन पुलिस इस मामले को इसलिए दबा रही थी, पुलिस वहां पर 2-3 घंटे वहां पर लेट पहुंची और बार बार अहले खाना के कहने पर वो टाल मटोल कर ही काम लेते रहे और आखिरकार 2 बजे के बाद उसको जो है वो डेड बॉडी जो है लवाहकीन के हवाले की गई, जिस पर वो सरापा एहतजाज रहे क्योंकि SHO मुकामी और SP ने कोई भी इनकी बात नहीं सुनी कि वो डकैती के जो डकैती हुई उसमें मर्डर हो गया और डाकुओं ने दीवार जो बैंक की थी वो हथौड़ों के साथ तोड़ी। उसके बाद फिर लॉकर जब तोड़ा तो इसने मजाहमत की तो उसके बाद उन्होंने फायर मार के इसको कत्ल कर दिया। 3 बच्चों का ये बाप था, गुलबर्ग थर्ड में ये रहायश पजीर था और इसकी जो दीगर जो रिश्तेदार थे, इसकी जो मिसेस थी, वो भी बैंक के बाहर जो MCB बैंक है वहां पर एहतजाज करते रहे, लेकिन पुलिस ने इनके साथ कोई तावन नहीं किया, सिर्फ मामले को दबाते रहे कि ये डकैती नहीं हुई, ये मर्डर हुआ है और मर्डर बैंक के अंदर ही होना था, बैंक के बाहर। अभी क्या सूरत हाल है, डेड बॉडी को वरिसा के हवाले कर दिया गया या नहीं? जी बिल्कुल, अब जो पुलिस ने 8 घंटे के बाद जो है वो डेड बॉडी वर्सा के हवाले नहीं की बल्कि इसका पोस्टमार्टम करने के लिए वो डेड हाउस में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इनकी अब एप्लीकेशन आएगी, उसके मुताबिक जो है वो FIR दर्ज की जाएगी, तहम अभी जो है इसका पोस्टमार्टम के बाद ही और तफ्तीश के बाद मालूम होगा कि आया के जो बैंक में दाखिल कितने लोग हुए और कितनी मालियत वहां से उन्होंने चुराई, लॉकर भी तोड़ा, वहां पे दीवार भी तोड़ी और किस तरह वो अंदर दाखिल हुए, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है और पुलिस के खिलाफ भी अहले खाना एहतजाज थे कि डकैती होगी और उसको बहादुरी से। ये बताइएगा कि बैंक इंतजामिया से आपकी बात हुई, डकैती की वारदात को नाकाम बनाया गया या वो डकैती करके गए हैं वहां से डाकू?
जी बिल्कुल, बैंक मैनेजर और जो दीगर वहाँ पे अफसर थे उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना कि ये सेकंड फ्लोर पे जो गेट था वो लॉक था और डाकुओं ने जो दीवार है वो हथौड़ों के साथ तोड़ी, और जब ये वहाँ पे इसने रोकने की कोशिश की तो उस दौरान उन्होंने इसको फायर मारा, जिसके बाद ये मौका पर हलाक हो गया। जब सुबह जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड आए तो उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि लॉकर में भी काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए थे, लेकिन उस दौरान जब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो ये सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि अकेला नाइट पे ड्यूटी पे था तो इसने मजाहमत की तो उन्होंने फायर मारा, जिसके बाद ये मौका पर हलाक हो गया। लेकिन पुलिस अभी तक इस बात को नहीं कर रही कि आया। रमजान भी आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिफेंस में मुबैना डकैती की वारदात के दौरान 3 बच्चों का बाप सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया है। पुलिस 6 घंटे तक मामले को, 2 घंटे के बाद लवाहिकीन के एहतजाज के बाद जो डेड बॉडी है वो बुरसा के हवाले कर दी गई। लवाहिकीन का बैंक के बाहर शोर शराबा भी देखने में आया। टंडूवाला यार से आपको खबर देंगे, जहां पर पुलिस का निजी जेल पर छापा। पुलिस ने मुबैना निजी जेल पर कार्रवाई करके 20 अपराध को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। तमाम बाजियाब होने वाले हारियों को आज सेशन कोर्ट टंडूवाला यार में जाएगा। सेशन कोर्ट टंडूवाला यार के हुक्म पर प्यारो लोन पुलिस की बास जमींदार की मुबैना निजी जेल पर छापा है। आपको हम खबर दे रहे हैं टंडूवाल 11 से कि पुलिस का निजी जेल पर छापा। पुलिस ने मुबैना निजी जेल पर कार्रवाई करके 20 अफराद को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। तमाम बाजियाब होने वाले हारियों को आज सेशन कोर्ट टंडूवाला यार में पेश किया जाएगा। सेशन कोर्ट टंडूवाला यार के हुक्म पर प्यारो लोन पुलिस की बास जमींदार की मुबैना निजी जेल पर छापे की रिपोर्ट सामने आई है। 20 अफराद को बाजियाब करवाया गया। हारियों को आज सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने छापा मारा और छापे के दौरान मुबैना निजी जेल पर कार्रवाई करके 20 अफराद को बाजियाब करवा लिया गया है। बाजियाब होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। तमाम बाजियाब होने वाले हारियों को आज सेशन कोर्ट टंडूवाला यार में पेश किया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पुलिस का निजी जेल पर छापा। पुलिस ने मुबैना निजी जेल पर कार्रवाई करके 20 अफराद को बाजियाब करवा लिया है। बाजियाब होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इनमें बच्चे भी छोटे छोटे शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल हैं। तमाम बाजियाब होने वाले हारियों को आज सेशन कोर्ट टंडूवाला यार में पेश किया जाएगा। मुतलका थाने से SHO अफजल मखजी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपके वक्त का। ये छापा मारा और मुबैना निजी जेल पर कार्रवाई करके 20 अफराद को आपने बाजियाब करवा लिया, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बीबी, ये देखेंगे ये कल सेशन कोर्ट टंडूवाला यार के सेशन जज साहब का ऑर्डर पहुंचा था कि ये कुछ डिटेल नहीं है क्या, हम नफीस के फार्म पे वहाँ उनको बाजियाब करा के सुबह कोर्ट में रजू करे। जो हम कोर्ट के ऑर्डर पे वहाँ पहुंचे तो ये हारी नहीं है, ये लेबर है। लेबर जो गन्ने की कटाई के लिए थर से हर साल आते हैं, भील कम्युनिटी के वास्ता है इनका। तो वहाँ कोई निजी जेल वगैरह नहीं था, ये आजाद अपना ये जो जाम नफी साहब जो उतारे उससे भी तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे गन्ने के खेत थे। वहाँ एक जमीन का खाली टुकड़ा था, वहाँ बैठे थे झुग्गी निवा अपने घर बना के। कोई ये उनमें से डिटेन नहीं था, कोई कैदो बंद नहीं थी, लेकिन दो इनके भील थे जो फोटो और सुमार, उन्होंने कोई इनके नाम से जमींदार जाम नफी से पैसे लिए हुए थे 3-4 लाख रुपए एडवांस के गन्ने की कटाई के लिए। वो यहाँ इनको छोड़ के फार्म पे खुद चले गए, उनके फोन भी बंद है, फ्रॉड उन्होंने किया है फोटो और सुमार ने। तो मैंने ये वैसे अपना आजाद तौर पे बैठे हुए थे, कोई यहाँ कोई पहरेदार या कोई चौकीदार या कोई कोर्ट या निजी जेल नहीं था वहाँ, ये अपनी मर्जी से बैठे थे। जो इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट जो है वो सेशन जज सामने यही स्टेटमेंट दी कि हम आजाद बैठे थे लेकिन हमें किसी और ने फंसाया है। तो उनको जाम साहब का कोई भी बंदा कमदार या कोई चौकीदार या कोई गनमैन वहाँ पे मौजूद नहीं था। ठीक है, मुतलिका इलाके से SHO अफजल मखजी साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। टंडूवाला यार की बात हो रही है जहां पर पुलिस ने एक निजी जेल पर छापा मारा है। पुलिस ने मुबैना निजी जेल पर कार्रवाई करके 20 अफराद को बाजियाब करवा लिया है। बाजियाब होने वालों में आपको बताएं कि मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं।
ये देख सकते हैं, इनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल हैं और ख्वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको कैद किया गया था और 20 अफराद को जो है पुलिस ने छापा मारकर बाजियाब करवा लिया। आगे बढ़ते हैं और कामोकी से आपको खबर देंगे, जहां पर कामोकी के इलाके हबीबपुरा के दिलावर की बेटी 8 साल सारा एक निजी स्कूल में दूसरी जमात में पढ़ती है, वो बताए बगैर क्लास से बाहर, जिस पर उसकी टीचर मोना तैश में आ गई और डंडे से तशद्दुद करते हुए उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मासूम तालिबा का दांत टूट गया। सायरा को अस्पताल मुंतकिल करके मेडिको लीगल हासिल कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कामोकी से, जहां पर एक टीचर ने बच्ची पर जुल्म किया, तशद्दुद किया कि वो बताए बगैर क्लासरूम से बाहर क्यों गई और इतना उस पर तशद्दुद किया कि तैश में आकर उसको जमीन पर पटक मारा, जिससे उसका दांत टूट गया। सायरा को अस्पताल मुंतकिल करके मेडिको लीगल हासिल कर लिया गया है। अब उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कामोकी का इलाका है हबीबपुरा, जहां पर दिलावर की बेटी 8 साल सायरा एक निजी स्कूल में दूसरी जमात में पढ़ती है, वो बताए बगैर क्लासरूम से बाहर क्यों गई, जिस पर टीचर तैश में आ गई और डंडे से उस पर तशद्दुद किया, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटका, जिससे उसका दांत टूट गया। सायरा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कामोकी का इलाका है हबीबपुरा, जहां पर एक 8 साल सायरा एक निजी स्कूल में दूसरी जमात की तालिबा है, जिस पर टीचर ने तशद्दुद किया है। आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आते हैं कि टीचर्स की जानिब से बच्चों पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, इसलिए इस तरह के वाकयात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म किया जाता है, जिससे वो डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और बाद में पढ़ने से इनकार कर देते हैं कि वो स्कूल नहीं जाएंगे। इस तरह के वाकयात जो सामने आते हैं कि टीचर इतना जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं कि क्लासरूम से बताए बगैर बाहर क्यों गई, इस पर इतनी छोटी सी बात पर उस पर जो है इतना जुल्म किया गया कि उसका दान टूट गया। आपको बता रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से, कामोकी का इलाका है हबीबपुरा, जहां पर 8 साल सायरा पर उसकी टीचर ने तशद्दुद किया है, उसे जमीन पर पटका और उसका दान टूट गया। जाहिद इकबाल 7 न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जाहिद, क्या कार्रवाई की गई इस उस्तानी के खिलाफ? ये बिल्कुल अफसोसनाक वाकया कामोकी का इलाका हबीबपुरा में पेश है, जहाँ पर संग दिल जो टीचर है उसने बच्ची जो दूसरी जमात तालिबे इल्म है सारा नामी जो बच्ची है उसको जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से उसका दांत टूट गया। लेकिन इस तरह के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद ताहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर गुजरांवाला के ये सिर्फ एक स्कूल की बात है, अगर गुजरांवाला के दीगर स्कूलों की बात की जाए तो उसके मनाजर भी इससे मुतलिक दिखाई नहीं देते। आए रोज खादिम आला की तरफ से बड़े बड़े दावे किया जाता है कि तलीम और सेहत के मैदान में बिल्कुल तब्दीली कर दी गई है, लेकिन उसकी तब्दीली के जो मनाजर है वो 7 न्यूज के नाजरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे आए रोज स्कूलों में कम से कम बच्चों को जबरी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब मुतासरा खानदान से बात हुई है तो उनका कहना था कि बच्ची से इस तरह का बदतरीन तशद्दुद किया गया है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ताहाल ईडीओ एजुकेशन जो गुजरांवाला है, जो जिले इंतजामिया गुजरांवाला है, और ना ही कामों की जो इंतजामिया वो अभी तक हरकत में है, जिसकी वजह से ताहाल कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आपको इससे कभी बताता चलूं कि गुजरांवाला से मुतअद्दिद बार ऐसे स्कूलों की निशानदेही की गई है जो कि बच्चों से जबरी मशक्कत भी ली जा रही है, सरेआम उनसे काम भी लिया जा रहा है, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आए रोज मीडिया पर खबरें नशर होने के बावजूद ताहाल कोई भी इंतजामिया अभी तक इसने कोई भी नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल, आपका इस पर अब तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया, ना उस्तानी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। कामोकी का इलाका है हबीबपुरा, जहां पर 8 साल सायरा एक निजी स्कूल में दूसरी जमात की तालिबा से उस पर तशद्दुद किया गया। आज के क्राइम टाइम में हमने चंद लोगों को आपके सामने किया बेनकाब, कल हाजिर होंगे मजीद सनसनीखेज खबरों और पोशीदा राजों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। समन मलिक को इजाजत दीजिए, अलाने के बाद।